आईपीएल 2023 मेजबान टीम ने 158 रन का लक्ष्य बचाया और 5 रन से जीत हासिल की। आखिरी ओवर में 11 रन नहीं बना सकी मुंबई। लखनऊ ने तीसरी बार हारा है। मेजबान टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहद रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने अपनी उम्मीदों को मजबूत कर लिया है। मंगलवार रात खेले गए मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ ने 3 विकेट पर 177 रन बनाए, जवाब में मुंबई की टीम 5 विकेट पर 172 ही बना सकी है। लखनऊ की मुंबई के खिलाफ लगातार तीसरी जीत। मोहसिन खान ने फेंका निर्णायक मैच और मुंबई को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 30 रन चाहिए। और क्रीज पर टीम डेविड और कैमरन गिरिन थे। मेडियन पेसर नवीन उल हक ने 19 ओवर में 19 रन लुटाए। मुंबई को अब 20वें ओवर में जीत के लिए 11 रन की दरकार थी। ऐसे में मीडियम पेसर मोहसिन खान ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए और लखनऊ को जीत दिला दी। हालांकि मोहसिन ने पहले दौर में 21 रन लुटा दिए थे। स्टोइनिस ने नाबाद 89 रन ठोके। मेजबान लखनऊ के मार्कस स्टोइनिस ने इस सीजन अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 47 गेंदों में 89 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 8 छक्के लगाए। कप्तान कुणाल पांड्या ने 49 रन ठोके। 38 बल्लेबाजी लखनऊ का स्कोर 15 ओवर में 3 विकेट पर 108 रन था, लेकिन इसके बाद उसके बल्लेबाजी ने आखिरी ओवरों में 69 रन ठोके। रोहित और ईशान की मेहनत बेकार हुई। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के ओपनर रोहित शर्मा और ईशान किशन ने जोरदार शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में 90 रन की साझेदारी की। रोहित 25 गेंदों में 37 जबकि ईशान किशन 39 गेंदों में 59 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव 7 रन ही बना पाए। मुंबई की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है।